उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए आवेदन कर सकें। 12वीं के बचे हुए विषयों के लिए वैकल्पिक परीक्षा का आयोजन माहौल अनुकूल होने के बाद किया जाएगा। जो छात्र अपना प्रदर्शन सुधारना चाहे वो इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। 10वीं के बचे हुए विषयों के लिए कोई वैकल्पिक परीक्षा नहीं होगी। जो परिस्थितियाँ वर्तमान में बनी हुई हैं वो कदाचित ऐसी नहीं थी कि ये परीक्षाएं हो सकती थी, और इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने CBSE की उस प्रस्ताव को सहमति दी जिसमें जो बची हुई परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। At the outside, the Learned Solicitor General of India made a categorical statement that we agree in principle that it won't be conducive to hold exams for CBSE for the remaining papers in the month of July. So he made the statement categorically saying that the CBSE exams which were to be commenced from 1st of July till 15th of July stands cancelled. Number two, the Solicitor General made this statement also that they are working on some mechanism to award marks for the remaining paper as per the assessment. CBSE ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी मूल्यांकन नीति के बारे में जानकारी दी है। इस मूल्यांकन नीति के मुताबिक 10वीं और 12वीं बोर्ड के जो छात्र सभी विषयों की परीक्षा दे चुके हैं उनका मूल्यांकन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। जो छात्र 3 से अधिक विषयों की परीक्षा दे चुके हैं उनके बचे हुए विषयों का मूल्यांकन उन 3 विषयों के औसत के आधार पर होगा जिनमें छात्र को सबसे अधिक अंक मिले हों। जिन छात्रों ने केवल 3 विषयों के लिए ही परीक्षा दी है उनके बचे हुए विषयों का मूल्यांकन उन 2 विषयों के औसत के आधार पर होगा जिनमें छात्र को सबसे अधिक अंक मिले हों। उत्तर पूर्वी दिल्ली के 12वीं के छात्र जो 1 या 2 विषयों की ही परीक्षा दे पाए हैं उनके परिणाम उन विषयों के प्राप्तांक और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर जारी कर दिए जाएंगे। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर CBSE ने 18 मार्च के बाद होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी थी और इन बची हुई परीक्षाओं का आयोजन 1 से 15 जुलाई के बीच होना था। हालांकि CBSE ने सभी शेष परीक्षाओं के आयोजन के बजाय केवल 29 प्रमुख विषयों की परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया था। कई राज्यों ने भी वर्तमान परिस्थिति में परीक्षा आयोजित करने में असमर्थता जताई थी। अब CBSE द्वारा परीक्षा रद्द करने के फैसले से छात्र और अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लिया है वो बहुत अच्छा है। हम अभी पैंडेमिक सिचुएशन के मिडिल में हैं और ये बेस्ट है कि हम सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन लिया है कि वो क्लास 12th बोर्ड के एग्जाम्स को रिजल्ट को जुलाई 15 के अंदर अनाउंस कर देंगे। ये बेस्ट है क्योंकि देश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से कई अभिभावकों ने परीक्षाएं रद्द करने और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। विकास सारथी के साथ निशांत सौरव, DD न्यूज, दिल्ली। और अगली खबर उद्यमिता से जुड़ी हुई। अगर आपके दिल में कुछ बड़ा कर गुजरने की चाहत है और दिमाग में कोई जबरदस्त आइडिया है तो अपने सपनों को पंख देने के लिए तैयार हो जाइए। देश में MSME को चैंपियन बनने के लिए सरकार ने नई नियमावली जारी कर दी है। ज्यादा ब्यौरा देखिए हमारे सहयोगी संवाददाता अजय मिश्र की इस रिपोर्ट में। देश में MSME सेक्टर की जिंदगी अब और भी आसान होने जा रही है। देश में छोटे उद्योगों के लिए सरकार ने रजिस्ट्रेशन से लेकर विश्व स्तर का चैंपियन बनने के सफर में सहयोग का पूरा ढांचा तैयार कर लिया है। MSME मंत्रालय की अगुवाई कर रहे नितिन गडकरी ने नए दिशा निर्देश जारी करते हुए दो टूक कहा कि मुश्किल के दौर से गुजर रहे सेक्टर के लिए सरकार कंधे से कंधा मिलाकर तैयार खड़ी है। 1 जुलाई के बाद देश में MSME सेक्टर की नई बदली हुई परिभाषा लागू हो जाएगी और उन्हें नया नाम दिया गया है उद्यम। अब MSME के तहत 1 करोड़ रुपए के निवेश और 5 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले उद्योगों को सूक्ष्म उद्योग माना जाएगा, तो वहीं 10